अभी हम लोग चेल के खूबसूरत पैलेस में आए हैं। इस पैलेस का नाम है चेल पैलेस, तो चलो अंदर से देखते हैं। चेल का ये पैलेस 1891 में बना है और ये पैलेस बाहर से जितना सुंदर है अंदर से भी उतना ही सुंदर है। चलो फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर का ऊपर नहीं, आप ग्राउंड देख के आते हो। यहाँ पे रिवर है और वहाँ पे हमारा कैरावन है। हम लोग रात को अपने कैरावन में सोए थे इस रिवर के एकदम साइड में, तो ये रिवर का जो आवाज़ आ रहा था रात को बहुत ही सूदिंग लग रहा था। ये एक्सपीरियंस शायद हमको बाद में वापस कभी मिल जाएगा। बहुत मज़ा आया चेल। तो अभी एक शानदार ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग करते हैं चेल को गुड बाय। आज हम लोग अपना कैरेवन को छोड़ देंगे और हम लोग एक दूसरी कार से जाएंगे कुल्लू तक। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग जाएंगे कुल्लू के, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हम लोग इस कैरेवन को गुड बाय करते हैं और अब हम दूसरी कार से जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहां पर ना डायनासोर डायनासोर के हजारों एग्स है। तो अभी हम लोग अपने स्कैरेबन को गुड बाय करते हैं और आगे की जर्नी हम लोग इस कार में करेंगे। तो कुल्लू की मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा फ्रेश और शानदार रही। अभी हम लोग फाइनली चेल से निकल कर कुल्लू पहुंच चुके हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था, हम लोग बहुत थक गए थे, सबकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी थोड़ी थोड़ी। तो अभी हमने देखा है कि कुल्लू में ना बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ हैं, तो हमने सोचा है कि हम लोग कल ये एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट। फ्रेंड्स लोग है ना अब्रॉड जाते हैं नेचर की ब्यूटी देखने के लिए, बट मैं खुद भी एक बार स्विट्जरलैंड जा चुकी हूँ और मैं रिकमेंड करती हूँ कि स्विट्जरलैंड जाने से पहले एक बार हिमाचल प्रदेश जरूर आना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है। एकदम आउटडोर क्लासरूम लग रहा है, यहाँ पे पढ़ाई करने में मजा आएगा। सो मेनी डायनासोर। पहाड़ों के बीच यहाँ पे मैं पहाड़ पे चलूंगी और यहाँ पे मेरी मैगी बनती है।